नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पी के बी एजुज्ञान में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने मॉक टेस्ट दिया था। 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर आपको एक डेमो मॉक टेस्ट दिया था। 5-5 क्वेश्चन थे, 10th बेस, +2 बेस यानी कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के 4-ईयर प्रोग्राम, 6-ईयर प्रोग्राम, VLDA के एंट्रेंस एग्जाम और साथ ही ICAR के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मैंने एक डेमो मॉक टेस्ट आपको दिया था। 10 नंबर का जो मॉक टेस्ट था, और मैंने ये भी बोला था कि जिनके 10 में से 10 नंबर आएंगे उनको जो है मैं नाम भी मेंशन करूंगा अगली वीडियो में। तो इस वीडियो में हम नेम भी मेंशन करेंगे, साथ ही मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, मैंने जो है स्कोर यानी कि उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, रिलीज कर दिया है। तो जो जो मेल आपने दी थी उस टाइम, तो उस मेल के ऊपर आपकी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर पहला जो यहाँ पर दिया हुआ है मी मेल, ये वाला जहाँ पर आप कर्सर पर देख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है। इस तरह का मेल आपके पास आया हुआ होगा, क्लिक करें दोस्तों, आपके पास यहाँ पर मेल जो है ओपन हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से। और आपका यहाँ पर स्कोर जो है वो दिखा दिया जाएगा, कितने नंबर आपके 10 में से आए हैं, जैसे कि यहाँ पर 8 नंबर आए हैं। फिर आपको दोस्तों व्यू पर क्लिक करना है, व्यू पर क्लिक करो तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर जो आपने ईमेल एड्रेस अपना नेम और वो दिया था वो यहाँ पर डिटेल्स है। फिर करते हैं दोस्तों स्क्रॉल डाउन, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन आपने रॉन्ग किया है, कौन सा क्वेश्चन राइट किया है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन था, तो एक क्वेश्चन राइट करने पर 2 में से 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, देख सकते हैं। और यहाँ पर भी आप अपने नंबर को है देख सकते हैं, तो आप स्क्रॉल डाउन करके दोस्तों देख सकते हैं। और जो भी आपका रॉन्ग आंसर होगा, यानी कि जैसे कि यहाँ पर ये एक रॉन्ग किया हुआ है तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, तो ये भी यहाँ पर अच्छी तरह से मेंशन किया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ICAR और HAU 4-ईयर प्रोग्राम वालों ने जो दिया है अपना रिजल्ट उनका मैं बता देता हूँ, एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसके 10 नंबर आए हों। 10 क्या दोस्तों, 6 से कोई भी क्रॉस नहीं कर पाया है, 6 नंबर से, यानी कि 5 में से 3 से ज़्यादा कोई भी सही नहीं कर पाया है, एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं था। लेकिन जो HAU 6-ईयर प्रोग्राम और VLDA के स्टूडेंट्स थे दोस्तों, यानी कि 10th बेस वाले, उनमें से सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 10 में से 10 नंबर आए हैं। एक का नेम दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, एक का नेम है मोनित कटारिया और दूसरे का नेम है राकेश, जिसका कुछ कूल इस तरह से करके राकेश नाम से जो है उसकी gmail ID भी है, उसको पता चल जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको इन दोनों के नाम बता दिए हैं जिनके फुल बाय फुल मार्क्स आए हैं, यानी कि 10 नंबर आए हैं। लेकिन दोस्तों नेक्स्ट वीक आपका इसी तरह एक और मॉक टेस्ट लिया जाएगा, उससे पहले आप अच्छी तरह से अपनी तैयारी करते रहें, और उस मॉक टेस्ट के अंदर मैं उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। फिर भी दोस्तों मेरे से कोई मिस्टेक हुई है, अगर आपके फुल बाय फुल नंबर आए हैं और मैंने आपका नेम मेंशन नहीं किया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर आपका कोई आंसर राइट था यहाँ पर रॉन्ग दिखा रखा है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अपना रिजल्ट जो है मेल पर जाकर जरूर चेक करें दोस्तों, चेक करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं रेंडमली आपका जो जितने मार्क्स आए हैं वो भी मैं बता दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको मॉक टेस्ट वाला सिस्टम पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए, तैयारी करते रहने के लिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले जानते रहने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मैं फिर से कहता हूँ वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान भी रखें।